चुप्पी बैठे हैं। मेरे साथी बहुत पुराने मेरे बड़े भाई छतरपाल जी और बहुत सम्मानित मंच भाई बड़े भाई ओम प्रकाश के मेरे बिल्कुल साथी है सुरेश सिद्धापुरिया जी और हमारे पुराने अपने विजेंद्र हंस जी हमारे साथ पार्षद जी रहे और मेरे साथ जितने शामिल हुए हैं मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और दलाल साहब आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं 88 से आपके साथ था और उन साइकिल चलाने वालों जो 3-4 महीना साइकिल चली थी उनमें भी था। हम लेकर 50-60 लड़के हुआ करते थे और मैंने आपसे वो पुरानी बात सारी कही थी जो मुझे कुछ कहना था। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि हमने दोगला चलना नहीं सीखा, दो नामों पे कभी पैर हमने नहीं रखा। जहाँ रहते हैं क्या मेरे पास 3-4 दिन से लाइन लग रही है, हल्का हाथ रख देना, यो कर देना, वो कर देना। मैंने भैया जैसा मेरा टूटा हाथ है कैसा भी है और हमारा पूरा कुलवा हमारे यहाँ शौर्याओं के बनियाओं के 250 घर है और दलाल साहब उनकी मीटिंग हमारी हम सब हो चुकी है। आपका उन 250 परिवारों में भी स्वागत करवाएंगे और जगह जगह जितनी मेहनत हो सकेगी और आप दोबारा से मैंने 30-35 किलो वजन अपना घटावा लिया है तो दोबारा से लौट आओगा वो क्षमता फिर दोबारा से आ गई है। पहले तो बहुत ज्यादा हो सकता है, इतना डोला फिरा नहीं जाता था, फिर पूरी क्षमता से वो जवानी के दिन वो बचपन के दिन दोबारा दिखाएंगे। जब मैं आपके साथ लगा 88 में मैं आपके साथ लगा, मेरा लड़का 3-4 साल का था और अब आज उसकी लड़की भी मेरी पोती भी 15 साल की है दलाल साहब। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ जितने भी यहाँ बैठे हैं, दोगला दलाल साहब आपने कभी नहीं देखा होगा। मेरे पूरे परिवार को आपको भाई साहब ने कहा, ओम प्रकाश भाई साहब ने कि ये तो चंदी राम है, ये सारा परिवार बैठा है। आज तक मैंने कभी मैं किसी पार्टी में रहा हूं मैंने भूल अपने भाइयों से नहीं कही, अपने बच्चों से नहीं कही, चंदी राम ने जहां कही है वहां वोट दिए। और ये तो चंदी राम वादा करके आया है, अगर हमारा कोई पोता भी एक बार वादा कर दे उस पर हमारा पूरा परिवार खड़ा उतर जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और पूर्ण विश्वास मेरा एक एक साथी और बिगर रोटी के और बिगर गाड़ी के बिगर पेट्रोल के बिगर किसी के तो जो कुछ होगा हमारी तरफ से होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक राजेश वाल्मीकि जी हैं मंगला गांव से, आ जाए। और एक वरुण है केयर ऑफ सतीश माडोतिया। अब मैं निवेदन करूंगा दलाल साहब से आए हुए सभी लोगों को संबोधित। आज मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक लम्हा है, ये पल है। जो जीवन में समय आते हैं कई दफा आदमी झूठे गुमान में या वक्त के मुताबिक कई दफा आदमी का जो मन है विचलित होता है और वो सही बात बोलना चाहे तो भी बात गलत निकलती। तो आज जो सारे भाई बंधु और खास करके हमारे नगर परिषद के माननीय उपाध्यक्ष भाई मनोज बंधु जी, भाई चंदीराम गुप्ता जी, भाई अनिल नागर जी, हमारी बेटी रेखा देवी जी, भाई सुरेश माहौर जी, भाई रिंकू अनुपम पंचाल जी और कितने ही हमारे मेरी आंखों के सामने एक से एक बड़ी सरदारी के लोग, डॉक्टर खुशहाल जी यहाँ इतनी बड़ी सरदारी बैठी है, मैं सबका नाम लूंगा लेकिन मैं चेहरों से देख सकता हूँ कि इलाके की बहुत बड़ी सरदारी आज जो ताकत देने के लिए इस इलाके को आई है। मैं आपका हमेशा एहसान मंद रहूंगा और जो ये इलाके की लड़ाई में आज आप आए हैं, भाई चंडी गुप्ता जी मेरा छोटे भाई की तरह है और चाहे हम आपस में कुछ भी कहते रहे लेकिन मन के अंदर जो एक दूसरे के लिए भाव रहता था
संदीप गुप्ता जी बिल्कुल मेरे छोटे भाई से भी ज्यादा मेरा संग दिया, मेरे साथ रहे, लड़ाई लड़ने में हर चीज में अगुवाई करते थे। और मनोज तो मेरे दोस्त का छोटा भाई है, स्वर्गीय चाचा चंदगी राम जी दुनिया में नहीं रहे, हमारे इलाके के रहनुमा थे, उनका बेटा है, कई दफा पार्षद बना है और बहुत अच्छे स्वभाव का मालिक है। वो भी जो आया है तो समझो मेरे परिवार में जो कमी थी वो कमी की आज पूर्ति हुई है। डॉक्टर भूषाल जी रिंकू बिल्कुल मेरे सगे भाई से भी ज्यादा हमारे बड़े भाई का बेटा है और हमारे ऐसे घरेलू रिश्ते हैं कि जो कभी टूट ही नहीं सकते। और इसी तरीके से हमारे सुरेश माहौर जिसका मैं खुले तौर पर कर्णधार हूं, ऐसा संग सुरेश माहौर ने दिया। मैंने सुरेश माहौर में चाहा था तो सुरेश माहौर चेयरमैन बनने का हक रखता था, सारी उसके अंदर खासियत थी, लेकिन मेरा भाग्य खराब था और मैंने भाई सुरेश माहौर के हक को विश्वास में कहो, किसी उसमें वोटों के लालच में कहो, या ये कहो कि अपना भाई है ये बुरा नहीं मानेगा, मैंने किसी और व्यक्ति को इनका हक दिया। तो सुरेश माहौर जी चाहे हमारे कोली समाज माहौर समाज से संबंध रखते हैं, लेकिन ये तमाम लोग आप सब भी ये वो लोग हैं जिनकी कोई जाति से तुलना नहीं हो सकती। ये लोग हमारे इलाके के वो सितारे हैं जो जहां भी रहेंगे तो ये चमकते रहेंगे और अपनी चमक से इस इलाके में रोशनी करते रहेंगे। ये कहीं और थे तो वहां चमक थी, आज ये अपने घर में आकर अपने भाई बंधुओं के साथ आए हैं तो चमक यहां आएगी। लेकिन अब हम आपस में इस बात का प्रण लेते हैं कि कोई भी हालात आए हम मिलकर के रहेंगे और हमारी लड़ाई कोई निजी नहीं है, हमारे स्वार्थ निजी नहीं है, सबको परमात्मा ने बहुत कुछ दे रखा है। और जो आज भाइयों ने कांग्रेस शामिल हुए हैं, इतने नौजवान एक सरपंच छल्लागढ़ से अजीजाबाद से महिलाएं बहन बेटियां हमारी चक्कर के आई हैं और एक से एक बड़ा सरदार मेरी आंखों के सामने आज हमारी ताकत बढ़ाने के लिए यहां आया है। मैं आप सबका एहसान मंद हूं। और भाई अनिल लागर जो उनके पिता हमारे बचपन के साथी हैं, भाई अनंत के छोटे भाई प्रहलाद जो एक दफा वो भी पार्षद रहे हैं, भाई जोरावर भी, तो भाई प्रहलाद जी भी आप आइए और पत्थर पहनाओ। और एक नंबर से भाई सूरज पार्षद भी यहां आए हैं तो बहुत बहुत आपका अभिनंदन है प्रहलाद भाई। तो अनिल नागर के पिताजी मेरे बिल्कुल सगे भाई की तरह, हम भिवानी चौधरी बंसीलाल के इलेक्शन में गए थे उनकी इलेक्शन में मदद करने, सबसे बड़े खलीफा थे। आओ बेटे, तो जो आज आपने ये विश्वास और भरोसा जताया है, मेरी जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके भरोसे पर खरा उतरूं, आपकी उम्मीदों में आपको निराशा ना मिले, और अगर कोई मेरे से गलती हो कमी हो तो आपको अधिकार है, आप कभी भी मेरा हाथ पकड़ करके उलाहना दे सकते हैं। मैं आपका भाई था, मैं भाई हूं और मैं भाई रहूंगा। अच्छी बात यह है कि भगवान आज मेहरबान है इस पलवल के इलाके के ऊपर। पुरानी कहावत है, समय और समझ इकट्ठे नहीं आया करते, जब समझ होती है तो समय नहीं होता और जब समय आता है तो समझ चली जाती, ऐसा बड़े बूढ़े कहते हैं। लेकिन आज हमारा भाग्य जोर मार रहा है, आज समझ और समय दोनों इकट्ठा चल रहे हैं और इसका मतलब है इलाके का भाग्य उदय होने जा रहा है। हमारे नौजवान बच्चे बेरोजगार घरों में बैठे हैं, हम सब मिलकर के उन बच्चों को सरकार का रोजगार और दूसरा रोजगार या इलाके में ऐसे हालात पैदा करेंगे कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। हम हालात पैदा करेंगे हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई का स्कूल कॉलेज
लड़कियों के स्कूल कॉलेज और ये रेल लाइन बाहर और इधर जो शहर की दिक्कतें हैं, हम मिलकर के लोगों का सहारा बनेंगे और लोगों के विश्वास से खरा उतरेंगे। हम बीजेपी के उन लोगों की तरह नहीं रहेंगे जो वोट लेकर के उन लोगों को बेसहारा करके चले गए। ये ताकत आज जो इलाके की बनी है, ये ताकत आने वाले दिनों में इस इलाके को आसमान की ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगी। मैं ज्यादा ना कहता हुआ भाई चंदी गुप्ता जी के सभी साथियों का, उनका पूरा परिवार आया है, रिश्तेदार आए हैं, भांजे आए हैं, भाई मनोज बंधु जी का जो छोटे भाई की तरह, बल्कि मैं तो बेटे की तरह मानता हूँ, है छोटा भाई, भाई हमारी बेटी रेखा, सुरेश माहौर जी आज घर में आए हैं। भाई सुरेश माहौर जी करने वाला परमात्मा है, आपके कर्ज को चक्रवर्ती ब्याज के साथ वापस करेंगे। और रिंकू जो हमारा बेटा है, उसने बड़प्पन दिखाया जो आया है बहू को लेकर के। मैं रिंकू भाई का, बेटी का बहुत बहुत, एक नंबर वार्ड से सूरज राणा पार्षद आए हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें राणा साहब का। भद्दीन और जाहिल, हाँ इनका भी स्वागत है। और डॉक्टर खुशहाल जी जो मेरे बचपन के साथी हैं, आप ये नहीं कहना मैं औरों का नाम नहीं ले रहा हूँ। अब आज तो ये जल्दबाजी में हुआ है, अब जितने आज हमारे अलग अलग गुट शामिल हुए हैं, हरिनगर से आए हैं, इस्लामाबाद छल्लागढ़ से आए हैं, शहर से आए हैं और दूसरे वार्डों से आए हैं, और भरतगढ़ के सरपंच धर्मेंद्र साहब वो भी आगे आ जाए, तो आपकी हमारी मुलाकात और सभी नेताओं के साथ अलग अलग फिर होगी। अपना बघेल समाज भाई शेखपुरा से जो आया है, विजेंद्र जो हंस जी मेरे बचपन के साथी हैं, दोस्त हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। शेखपुर बघेल ये कोई साधारण मोहल्ला नहीं है, बलवल शहर के मालिक हैं, भिजाओं को बदलना जानते हैं, इलाके के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के रहते हैं। तो अब हम आप सबसे अलग अलग बैठक और करेंगे, लेकिन कल नामांकन है, इसलिए ही हम मैं जल्दी कर रहा हूँ, वरना तो आज ही आपके साथ बैठना था। कल नामांकन पर 10 बजे से पहले आप मेहरबानी करके हुड्डा चौक पर वहाँ पधारे, कल नामांकन भरने के लिए चलेंगे और कल ही इलाके के भविष्य की नींव ये इलाके की 36 बिरादरी लिखने जा रही है। तो कल की मुलाकात के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कल आप पूरी ताकत के साथ आना और आप कोई भी भाई बहन बेटा बिना चाय पानी के नहीं जाएगा। हमने आपके सम्मान में चाय पानी का इंतजाम किया है, चाय पानी लेकर के जाना। और अब हमारे आपके दुख और सुख, हमारे और आपके सत्ता के सुख और आने वाले समय, हम इकट्ठे चलेंगे और इकट्ठे चल करके इस इलाके में मिसाल कायम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।